अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मजा आ रहा है? वेरी गुड। अच्छा जी, आज हमने चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है हु इज अलाइव। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसमें न्यू वर्ड्स होते हैं, न्यू टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, यानी कि नए नए वर्ड्स जिनको समझना होता है। ठीक है, उस समझने से पहले मुझे आप ये बताइए कि आपके घर में, आपकी सराउंडिंग में ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कि खुद मूव करती हैं, और कुछ को ऐसा होता है कि आप मूव करते हैं, वो खुद से मूव नहीं हो सकती। कुछ चीज ऐसी हैं जो कि ग्रो करती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो सालों साल वैसे ही रहती हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा जी, जरा देखिए हमने इर्द गिर्द, आप बिल्कुल अपने आप को देखें। कुछ साल पहले आप कितने छोटे से थे, है ना? बहुत छोटे से थे, और आपके साथ आपके कपड़े भी थे जो कि बहुत छोटे से थे। अब आप कितने बड़े हो गए हैं, ग्रो कर गए हैं, क्या आपके कपड़े उसी तरह ग्रो करें? नहीं करें ना। अच्छा, एक और चीज देखें कि आपके घर में प्लांट्स होंगे, या बाहर देखिए तो वहां प्लांट्स लगे होंगे। कभी कुछ साल पहले वो बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन वो अब बड़े हो गए हैं। अब आप ये चीज बताइए मुझे कि ये चीजें जो होती हैं, जो ग्रो करती हैं, जो मूव करती हैं, आप आसानी से कहीं भी मूव कर सकते हैं, आपको कोई मूव नहीं कराता, है ना? अपनी मर्जी से यहाँ चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। क्या आपकी बुक, आपका बैग उससे जाता है? नहीं, जब आप उसे उठाते हैं, आप उठा के कहीं रखते हैं तो ही वो जाता है ना। तो जो चीजें खुद से ग्रो करती हैं, जो मूव करती हैं, उनको किस चीज की जरूरत होती है? क्या चीज की जरूरत होती है आपको? अगर थोड़ी देर बाद क्या लगती है? भूख लगती है, कुछ ना कुछ खाने को दिल चाहता है कि मैं ये खा लूं। क्या आपकी बुक भी खाती है, आपकी टेबल खाती है, आपका बैग खाता है? नहीं खाता, है ना? आप सांस भी लेते हैं, ब्रीथ भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सी चीजें आप क्लास में देखें, अपने घर में देखें, अपनी सराउंडिंग में देखें, जिनको खाने की जरूरत होती है, जिनको हवा की जरूरत होती है, जिनको पानी की जरूरत होती है, है ना? क्या क्या चीजें हैं जरा सोचें। सोचा? हाँ, आप मौजूद हैं, प्लांट्स मौजूद हैं, कैट मौजूद है, वेरी गुड। और ये सब चीजें ऐसी हैं कि जिनको खाना भी चाहिए होता है, पानी भी चाहिए होता है, और हवा भी चाहिए होती है, और फिर ये ग्रो करती हैं। ऐसी चीजें जिनको पानी की जरूरत हो, जिनको सांस लेने की जरूरत हो, जो मूव कर सकती हो, जो ग्रो कर सकती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, उन्हें हम कहते हैं लिविंग थिंग्स। Living things, very good। जो चीजें ब्रीथ करती हैं, सांस लेती हैं, मूव करती हैं, जो चीजें ग्रो करती हैं, उनको हम कहते हैं Living things। और जो चीजें खुद से मूव नहीं कर सकती, जिनको हम उठा के यहाँ से वहां रख रहे होते हैं, वेरी गुड, जो कि सांस नहीं लेती है, ब्रीथ नहीं करती है, और क्या करती है? जो ग्रो नहीं होती है। ठीक है, जो ग्रो नहीं होती है, उन चीजों को हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, नॉन लिविंग थिंग्स। अब जरा आप बताइए मुझे, हम एक चीज लेते हैं, पैरट। ठीक है ना, पैरट होता है आपके घर में? हाँ, वेरी गुड। या फिर आप चिड़िया घर में देखते हैं, आप लोग फोन्स में देखते हैं, या फिर टीवी पे नजर आता है, और फिर एक चीज होती है बुक। हम दोनों चीजों को देख के कहते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। पैरट क्या करता है? मूव करता है, और बुक मूव नहीं करती है। तो पैरट क्या हुआ? वेरी गुड, लिविंग थिंग्स। और बुक क्या हुई? नॉन लिविंग थिंग। वेरी गुड। पैरट जो है वो ब्रीथ करता है, सांस लेता है, और बुक नहीं लेती। तो फिर पैरट क्या हुआ? लिविंग थिंग्स। और बुक क्या हुई? नॉन लिविंग थिंग। वेरी गुड।
पैरट जो है वो ग्रो करता है, बढ़ता है, बढ़ता है, और बुक बढ़ती नहीं है, जैसे आपने पहले ली थी वो तो वैसे ही रहती है, छोटी या बड़ी तो नहीं होती। तो फिर पैरट जो है वो लिविंग थिंग है और वो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो हमें पता चला कि हम अब आप क्या करेंगे कि इस तरह से जब आपको लिविंग थिंग के बारे में पता चला, आपको नॉन लिविंग थिंग के बारे में पता चला, अब आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, तीन से चार दफा देखेंगे। तीन से चार दफा जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। अब आपने एक कॉपी लेनी है और उस पर लिस्ट डाउन करना है, दो कॉलम बनाना है लिविंग थिंग के और नॉन लिविंग थिंग के। लिविंग थिंग्स क्या चीजें आपको नजर आती है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या चीजें नजर आती है। फाइव थिंग्स आप लिविंग थिंग लिखे और फाइव थिंग्स नॉन लिविंग थिंग लिखे, ठीक है। थैंक यू सो मच।